नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बाइनरी लाइव प्रोजेक्ट्स और मैं हूं विजय विश्वा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है, आज वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए फिर आज हम लोग एक सर्किट डायग्राम समझते हैं, जिससे हम लोग करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी एक सर्किट जो होती है, वो सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है, एक बल्ब या फिर एक लोड होता है, कुछ भी हो सकता है ये जो आपको चलाना है, और एक उसकी लाइन होती है जिससे करंट पास होगा, यानी कंडक्टर, और उसमें एक सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स, जो उसका पावर सप्लाई करेगा, उसमें से करंट फ्लो कराएगा। अच्छा, इसको हम लोगों को रीड करने के लिए ओम्स लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर V जो है आपका वोल्टेज है, और I जो है करंट है, और रेजिस्टेंस जो है इसका, जो पाथ के अंदर रेजिस्टेंस लग रहा है वो है। इसमें क्या होता है, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आपका करंट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो स्थिर है, वो नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको करंट स्थिर रख के, करंट स्थिर रखना है और वोल्टेज बढ़ाना है, तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है और करंट आपको कम चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। यही चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं कोई भी सर्किट में, ठीक है। करंट कितना फ्लो होगा, उसके अंदर वोल्टेज कितना लगना चाहिए और रेजिस्टेंस कितना लगना चाहिए, इसकी सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको आपको मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी में हम लोगों ने यहाँ मान के चलिए कि 3 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। अब मेरे पास 6 वोल्ट है और यहाँ पर 3 वोल्ट का बल्ब लगा है, और इसका जो करंट है वो आपका हो जाएगा 10 मिली एम्पियर का, ठीक है। अब 10 मिली एम्पियर का ये बल्ब है, उसके बाद में जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर से, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो भाई 6 वोल्ट है, अगर ये 3 वोल्ट है तो पक्का ख़राब हो जाने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज है। तो हमें इस वोल्टेज को इसके बराबर करना पड़ेगा। तो इसके बराबर करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कि हमें इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि ये आपका प्रोटेक्शन हो जाए। क्यों, देखिए, आपको यहाँ पर 6 वोल्ट है और आपके पास 3 वोल्ट यहाँ पर है, तो आपको 3 वोल्ट को यहाँ पर कंज्यूम करवाना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स वोल्टेज माइनस बल्ब का वोल्टेज इक्वल टू आया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट एक्स्ट्रा हो रहा है। अब ये 3 वोल्ट जो एक्स्ट्रा हो रहा है, उसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर, आंसर आ जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर 0.3 किलो ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि आपका ये 300 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर आप 300 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ पर आपका ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। 300 ओम यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए। अब आती है वाट। अब वाट कैसे निकालें, रेजिस्टेंस का वाट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, यानी कि 300 जो आया है, 300 इंटू आई स्क्वायर, आई कितना आ रहा था, 10 मिली का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका ये 300 इंटू 100 मिली का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया आपका इतना इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो आपका आ जाएगा 0.03 वाट। तो यहाँ पर वाट आ जाएगा 0.03 वाट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इतनी और उसके वाट की वैल्यू इतनी आ गई, आप इसको लगाएंगे, आपका बल्ब प्रॉपर जलेगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने इसके थ्रू, ठीक है। ये ओम्स लॉ कहलाता है, ओम्स लॉ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। और दूसरा, हम लोग अगर इसको सरल शब्दों में समझें, प्रकृति में कैसे काम करता है ये वोल्टेज और करंट का लॉ,
तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कोई बैटरी है। अब बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कब तक कहलाएगा? जब तक कि वो ओपन सर्किट है, ठीक है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ वो वोल्टेज कहलाएगा, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस, या उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम वोल्टेज कहते हैं। मान के चलिए कि ये जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस में, ये आपका एक आ रहा है, ठीक है, और ये आपका माइनस एक आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा आपका, यानी कि जो वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, अगर ये 1 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है तो, ठीक है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चल गया कि ये कैसे, ये 1 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, माइनस 1 वोल्ट है? तो हमें इसको पता करना पड़ता है ग्राउंड से, ज़ीरो से। हम लोग यहाँ से कंपेरिजन करते हैं इसका, कि यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से कितना इसका वोल्टेज है, ठीक है। अब इसकी बात आती है करंट की, तो इसमें करंट जब तक फ्लो नहीं होगा जब तक कि इसके अंदर कोई कनेक्शन ना हो जाए। अब मान के चलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक एक कंडक्टिंग पाथ दे दिया उसको, जो कंडक्ट कर सके करंट को, तब क्या होगा, करंट जो है आपका प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, यानी कि इस तरफ से फ्लो होगा, और जो फ्लो हो रहा है इसको मैं नाम दे देता हूँ आई, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। अब बात आती है कि इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, तो जितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, कि इसके अंदर पाथ कितना मोटा है, कितना कंडक्ट कर सकता है, और इसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब तक कोई कनेक्शन नहीं है तब तक आपको कोई करंट नहीं प्राप्त होने वाला, तब तक वो वोल्टेज कहलाएगा, और जैसे ही कनेक्शन होता है तो उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, कितना वोल्टेज आप लगा रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसी हिसाब से करंट फ्लो होता है। जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था, ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा अंदर जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसी हिसाब से करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो करंट भी उसी प्रकार से फ्लो होगा। दूसरे शब्दों में समझा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे मान के चलिए ये एक टैंक है, ये कोई टैंक है पानी का, पानी का टैंक है, जो इसकी ऊंचाई हो गई, ये आपका हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। और इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जो पानी जा रहा है, वो हो जाएगा आपका करंट। और ये जो है, यानी कि जो टोटी है जिसको हम लोग बंद चालू कर सकते हैं, टोटी को बंद चालू करने का है जो हैंडल है या वाल्व है, जो ये वाल्व है इस, ये हो जाएगा आपका रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली एक बात ये है, आप कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो टैंक में पानी है भाई, कितनी देर तक करंट फ्लो होगा किसी बैटरी में से, तो सबसे अच्छा उसका उदाहरण है कि इस टैंक में पानी कितना है, ठीक है। अब पानी कितना है बात हो गई, लेकिन अगर इसके अंदर ऊंचाई ना रखी जाए इस टैंक की, और लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए, तो पानी फ्लो नहीं होगा, है ना। लेवल उसके बराबर या फिर उसके नीचे चला जाए तो पानी फ्लो नहीं होगा। करंट तो है अभी भी, लेकिन फ्लो नहीं होगा क्योंकि आपके पास वोल्टेज ख़त्म हो गया है, वोल्टेज नहीं है, यानी कि हम लोग बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो बैटरी कितनी देर तक चलेगी उसमें डिपेंड करता है कि पानी कितना भरा है, यानी कि उसमें चार्ज कितना अंदर है। चार्ज होता है जो यहाँ पर चार्ज है ना, चार्ज फ्लो होता है, चार्ज ही फ्लो होता है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है। तो हम लोग अगर चार्ज को यहाँ पर Q मान लें, Q प्लस, ठीक है, और ये हो गया आपका Q माइनस, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो उसको हम लोग I को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि चार्ज एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, तो जितना एक सेकंड में फ्लो होगा चार्ज उसे हम करंट कहते हैं। बस इसको आप समझ लीजिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। उसके बाद में यहाँ था टंकी पे, तो टैंक वाले जो पोर्शन है उसमें हम लोग समझते हैं कि जो टैंक की ऊंचाई है वो वोल्टेज है, और जो नल में से फ्लो हो रहा है पानी वो करंट है,
और जो उसमें वॉल्व लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस है। ये वॉल्व ही डिसाइड करता है कि कितना पानी यहाँ से निकलेगा, यानी कि कितना करंट फ्लो होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जैसा कि मैंने पहले सर्किट में बताया था, इसके अंदर ये बल्ब जो है इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा वो डिसाइड करता है आपका रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर को आप हटा देते हो तो करंट बहुत सारा निकलने लग जाएगा, इसमें से वोल्टेज बहुत सारा हो जाएगा, तो ये बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी। अगर उसकी कैपेसिटी उतनी होती तो चल जाता, ठीक है। अब ये बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, तो बल्ब को अगर मैं यहाँ ले लूँ, ये मान के चलिए कोई बकेट है, ठीक है, उसमें मैंने एक छेद करके रखा हुआ है, छोटी टंकी मान लीजिए इसको आप, ये बकेट में एक छेद करके रखा हुआ है मैंने। अब इस जो इसके अंदर से पानी निकल रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो पानी और ये पानी जो है, यानी कि जो करंट है और ये करंट है, दोनों बराबर होते हैं तब तक तो ये आपके टैंक भरेगा नहीं, ये वाला। तो इससे क्या होगा कि आपका टैंक में से पानी कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी कि ये हमेशा आपका चलता रहेगा, ख़राब नहीं होगा, बाहर पानी नहीं बिखरेगा, ठीक है। हमेशा इसके अंदर से पानी इसमें डालेगी जितना जा रहा है और उतना पानी निकल जा रहा है, या तो जो इतने पानी जो जितना निकल रहा है उससे कम पानी इस नल में से आए तब जाके काम करेगा। अगर इसकी तुलना में इसका पानी ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा। इसको मैं बल्ब मान लेता हूँ, है ना, तो बल्ब ख़राब हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरा काम करता है ये। अब एक और तरीके से, प्रकृति के तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या होता है। सबसे अच्छा है उदाहरण कि कोई भी पहाड़ को आप वोल्टेज मान सकते हो, पहाड़ की ऊंचाई को, और उस पर से जो पानी बह रहा है, यानी कि जो नदी चल रही है, वो नदी जो है वो करंट हो जाएगा। और जो नदी बह रही है उसके जो रास्ता है, नदी का रास्ता जहाँ से पानी बह रहा है, अब नदी का रास्ता डिसाइड करेगा कि पानी कितना तेज बहे और कितना स्लो बहे, वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। बस यही आपको समझने की ज़रूरत थी। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीनों को समझना बहुत ही आसान है, सब एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं। जहाँ पर वोल्टेज नहीं है वहाँ करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। अगर आप इसके अंदर कोई कनेक्शन ही ना करें, तो कनेक्शन नहीं करने पे हम लोग उसको बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, तब वहाँ पर करंट कोई फ्लो नहीं होने वाला। यानी कि मैं एक तरीके से इस नदी के ऊपर अगर एक बांध बना दूँ, वो बांध बना करके अगर मैं चलूँ तो पानी बिल्कुल भी यहाँ से फ्लो नहीं होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब बाढ़ आ जाएगी अगर इस नदी में, तो ये उसके ऊपर से निकल जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तब क्या होगा, जो यहाँ की हवा है वही आयोनाइज्ड हो जाएगी और उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगा। यही तरीका होता है करंट फ्लो होने का, वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का। हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो समझ में पूरा आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल वाला बटन दबा करके, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जिससे मुझे लगे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है।